स्मार्ट दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी शेक बनाएंगे, इसको हम बनाकर रख देंगे 8 दिन के लिए, और जब बनानी हो 1 चम्मच डाल के दूध में इसको हम यूज़ करेंगे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे, इसके लिए बहुत कम सामान लगेगा। मैंने इस तरह से नेस्कैफे कॉफ़ी ली है, इस नाप के 4 चम्मच, इस नाप के ये 4 चम्मच, और 2 इलायची लिए फ्लेवर के लिए। इसी नाप की मैंने 8 चम्मच शक्कर लिए। शक्कर इसलिए लेते हैं ज़्यादा क्योंकि हम इसको बना के स्टोर में रखेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए 4 बर्फ के क्यूब। अब आप इसको मिक्सी में बना सकते हैं, ग्राइंडर में बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची खोल के डाल दी, ये मैंने कॉफ़ी डाल दी 4 चम्मच, ये मैंने डाल दी शक्कर। अब हम इसको धीरे धीरे से प्रेस करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ। बर्फ हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इतनी ही डालनी है। अब हमें क्या करना है, एक बार चलाया बंद कर देंगे ताकि ये एकदम से गर्म भी नहीं होगी। बंद कर दिया और हम हाथ से इसको ऐसे इस तरह से फेरते रहेंगे। चाहे हम मिक्सी में डाल देंगे, मिक्सी के जार में, उसमें भी एक बार चलाएंगे फिर बंद करेंगे, एक बार चलाएंगे, ऐसे 2-3 बार करना पड़ेगा। अब हम इसको इस तरह से घुमाते रहेंगे। अब पहले कैसा था, अब राइट कैसा है। अब ये बहुत क्रीमी क्रीमी जार हो जाएगा और हम इसको इस तरह से, चाहे जो भी आपको बस जिसमें भी डालना हो आप इसमें डाल सकते हैं, फिर 1 चम्मच भर के गिलास में डाल के बना सकती हैं। कितना मस्त कलर आ गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमने कॉफ़ी बनाई थी इस तरह, इसमें डाल दी थी। अब हम इसमें ठंडी वाली कॉफ़ी बनाएंगे, तो आप अगर गरम वाली डालनी है, बनानी है, तो फिर इसको 1 चम्मच डाल के, और इसमें हमको डालना पड़ेगा गरम गरम दूध। और अभी हम बना रहे हैं बहुत ठंडी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें शक्कर पहले से ही डली हुई है, इसको इस तरह घुमाना पड़ता है। अब मैं इसको कॉफ़ी को डालूंगी क्योंकि इसमें हम शक्कर नहीं डालेंगे। हमारी ये कॉफ़ी कुछ अलग तरीके से बनेगी, बहुत ही टेस्टी, स्मूथी होटल में जैसे मिलती है। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए 2 बूंद, ये ऑप्शन है। इसमें हम डालेंगे दूध, इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम, बटर स्कॉच, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, और ये जितना जाग आएगी उतना अच्छा बनेगा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब गिलास में इस तरह से गिलास में डिजाइन बन गई। अब हम इसमें डालेंगे कॉफी, थोड़ी सी आइसक्रीम। अब इसके ऊपर डालेंगे
उसमें से चॉकलेट। और आप चाहे तो उसको इस तरह से भी पी सकते हैं, और आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते।